हेलो नमस्कार मैडम, है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कह रहे हैं हेल्प यू। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2020 का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं। अभी अभी रीसेंटली एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला है अपना जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन का, जिसमें जनवरी में एक एग्जामिनेशन होता है, एक एग्जामिनेशन कब होता है अप्रैल में। दोनों के नोटिफिकेशन निकाले हैं और दोनों के पैटर्न में भारी चेंजेस हैं, भारी इन द सेंस से बहुत कुछ चेंजेस करे गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आज ही के वीडियो पे, इसी वीडियो पे आपको मिलने वाली है। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2020 का न्यू लेटेस्ट पैटर्न मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पहले हमारे होते थे दो पेपर, पेपर वन और पेपर टू बोला जाता था। पेपर वन किन के लिए होता था? बीई और बीटेक के लिए। पेपर टू होता था हमारा बी प्लान और बी आर्ट्स के लिए। अब से नए चेंजेस क्या हैं? अब से दो नहीं तीन पेपर हमारे होने वाले हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर वन स्पेसिफिकली अगेन बी बीटेक वाले बच्चों के लिए है, पेपर टू बी आर्ट्स के लिए स्पेसिफिक हो गया है और पेपर थ्री बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक हो गया है। और अब बच्चों के लिए चॉइसेस हैं, अगर तीनों देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और उन एग्जामिनेशन के लिए एप कर सकते हैं। हो रहा है क्लियर? अब देख लेते हैं, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्योंकि दोनों की डेट्स रिलीज हो गई हैं 2020 वाले जनवरी सेशन के लिए भी और अप्रैल वाले सेशन के लिए भी। जनवरी वाले सेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है सितंबर 3, 2019 से। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2019। इस विंडो के बीच में प्लीज 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 फॉर्म भर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। राइट, एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे दिसंबर 6, 2019 को और फाइनल गेम टाइम या एग्जामिनेशन टाइम आएगा आपका 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच 2020 में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अप्रैल सेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन होगा फेब 7 में 2020 में। लास्ट डेट होगी मार्च 7, 2020। एडमिट कार्ड मार्च 16 को रिलीज होंगे, एग्जाम डेट होगी अप्रैल 3 से अप्रैल 9 के बीच 2020 में ही। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बढ़ लेते हैं स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में अगेन तीन सेक्शंस आपके आने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो एक खुशखबरी है। राइट, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्या चेंजेस करेंगे इसमें। राइट, क्वेश्चंस में बहुत चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस हैं? चेंजेस ये हैं कि आपके अब 25 क्वेश्चन आएंगे ईच सेक्शन में। अब ये ब्रैकेट में 5 क्या लिख रखा है? 5 मतलब है अब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल टाइप भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो हो सकता है पेन पेपर बेस्ड है या फिर कीबोर्ड से ही आपको टाइप करना पड़े। तो यहां पर क्या है ध्यान में रखना है कि 25 में से 5 न्यूमेरिकल आएंगे, फिजिक्स में भी 25 में से 5 न्यूमेरिकल आएंगे, केमिस्ट्री में भी 25 में से 5 न्यूमेरिकल वैल्यू के आपके लिए क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस 2000 एग्जाम में, 2020 वाले एग्जामिनेशन में। राइट, 75 टोटल क्वेश्चन हुए, मैक्सिमम मार्क्स अगेन 100 100 100 और 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो हर करेक्ट आंसर एमसीक्यू का हर करेक्ट आंसर के लिए +4, प्लस न्यूमेरिकल वाले के लिए भी हर करेक्ट आंसर के लिए +4, एमसीक्यू वाले हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है कहां पर, सब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल वाले के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो रहा है क्लियर? और ये 3 घंटे का पेपर होगा, आपको टाइम मिलेगा पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड की बात करें अगेन मैथमेटिक्स आने वाली है, एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है, ड्राइंग आने वाली है। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें से 5 अगेन न्यूमेरिकल वाले होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन आएंगे, ड्राइंग में 0 to मतलब 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 100, एप्टीट्यूड आएगा 200, ड्रॉइंग आएगा आपका 100 मार्क्स का। 77 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 400 और 3 आर्ट्स आपको मिलेगा, अगेन सेम मार्किंग की स्कीम वही है, +4 फॉर द राइट आंसर, राइट, और -1 विल बी डिडक्ट फॉर द रॉन्ग आंसर। -1 न्यूमेरिकल वैल्यू में एप्लीकेबल नहीं है, दैट मींस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये था हमारा बी आर्च आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको तीनों एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आपने देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद बुक्स के अगर सजेशन चाहिए होंगे तो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक सेक्शन के लिए स्पेसिफिक बुक मैंने रेफर कर रखी है और वो बुक्स बेस्ट बुक्स हैं, टॉपर द्वारा रेफर करी गई हैं, अच्छे अच्छे जो मेंटर्स हैं,
जो कि आईआईटी क्लासेस पढ़ाते हैं उनके द्वारा रेफर करी गई बुक है। आप ब्लाइंडली, जी हाँ ब्लाइंडली उनको फॉलो कर सकते हैं। सारी बुकों के सामने अमेजोन का लिंक है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट दैट बुक्स, राइट। आगे देखेंगे पेपर थ्री में बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए क्या है, मैथमेटिक्स आएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा और प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके 25 questions, again, उसमें से 5 numerical वाले आएंगे, aptitude में 50, planning based, objective type में 25 question, 100 marks, 200 marks और 100 marks का ये आपका पूरा section बनता है। Total number of question will be 100, maximum marks 400, again 3 hours, marking scheme would remain the same, plus 4 for the right answer, minus 1 will be deducted for the wrong MCQ that you have corrected, right? तो यहाँ पर क्या है? अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये था पेपर थ्री बी प्लान का एग्जामिनेशन पैटर्न, पूरा क्लियर, राइट। तो ये था न्यू पैटर्न से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी जाननी। तीनों बुक्स के लिए या तीनों सेक्शंस के लिए बुक्स अगर चाहते हैं तो मैंने बताया दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुकों के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। पहले से बुक्स मतलब तैयारी करने के लिए बुक्स अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप Amazon से परचेस कर सकते हैं, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा, राइट। JEE एडवांस का वीडियो पहले ही बन चुका है, बुक्स वगैरह का भी एक डेडिकेटेडली वीडियो है, अगर आप देख सकते हैं तो वो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे बुक्स के लिंक और लिस्ट जो है आपको मिलने ही वाली है। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।